भैया आप सब लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6 और बुलेट 350 BS6 के माइलेज की। हाँ मुझे पता है कि आपको नहीं पड़ी, या जो आदमी क्लासिक 350 या BS6 और बुलेट 350 BS6 लेगा तो वो माइलेज क्यों देखेगा। लेकिन यार पता क्या, जब मेरे पास इस तरह के कमेंट आते हैं ना कि मेरी बाइक तो 20 का ही माइलेज दे रही है, मेरी बाइक तो 25 का माइलेज दे रही है, तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जानबूझ के या अनजाने में कोई ना कोई गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से इतना माइलेज आपकी बाइक का आ रहा है। मेरे पास क्लासिक 350 रही है और अभी मेरे पास बुलेट 350 BS6 मॉडल है। दोनों का माइलेज मुझे जो मिल रहा है मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से माइलेज चेक करता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाई थी एक, वो उसका लिंक आप देख रहे होंगे आई बटन में, वो भी आप देखो, जाके चेक करो। तो है क्या कि कितना सही माइलेज है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 बुलेट 350 का। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसका माइलेज 20-25 का है तो गलत है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसका माइलेज 50-55 का है तो भी गलत है। तो देखो दोस्तों, मैं अपनी बाइकों से, जब मेरे पास क्लासिक 350 थी, BS4 मॉडल था वो, तब उससे जो माइलेज मुझे मिल रहा था वो मिल रहा था, मिनिमम जो मुझे माइलेज मिला वो मिला 38 किलोमीटर पर लीटर का, और मैक्सिमम जो मुझे माइलेज मिला उससे 43 किलोमीटर पर लीटर का। और अभी मेरे पास बुलेट 350 है BS6, इसका जो मुझे मिनिमम माइलेज मिला है वो मिला है 37-38 किलोमीटर पर लीटर का, और मैक्सिमम माइलेज जो मुझे मिला है 44 किलोमीटर पर लीटर का। अब ये माइलेज मैं चेक कैसे करता हूँ पहले तो ये बता दूँ, आपको भी ऐसे ही चेक करना। ये माइलेज चेक करने का सिंपल सा मेरा तरीका है, पूरे टैंक को फुल कराओ पहले, ठीक है, फिर जितना आपको राइड करना है करो। उसके बाद जब आपके टैंक में पेट्रोल कम रह जाए और लो फ्यूल इंडिकेटर की लाइट ब्लिंक करना शुरू कर दे, मैं दोबारा से उसको रिफिल कराता हूँ टैंक को, पेट्रोल वाले को, और उसको कैलकुलेट करता हूँ जितने किलोमीटर चली बटा जितना लीटर तेल डला है। मान लो 100 किलोमीटर बाइक चली है और मेरी बाइक में 3 लीटर तेल डला है तो लगभग 33 का माइलेज हो गया, 100/3। तो इस तरीके से मैं माइलेज अपना कैलकुलेट करता हूँ। ये तो हो गया चेक करने का तरीका। अब मैं आपको कुछ तरीके ऐसे बता रहा हूँ जिससे आपको बेहतरीन माइलेज मिलेगा अगर आप अपनी बाइक से लेना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए भैया देखो माइलेज कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन कुछ लोगों के लिए माइलेज मायने रखता है। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा, दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, तो इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है हर चीज़ का। हर एक आदमी की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। तो देखो सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि आप जब भी पेट्रोल डलवाओ कोशिश करो कि आप टैंक को फुल रखो। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप कभी भी किसी भी अनजान जगह से मेरा मतलब ये है कि कहीं पे कोई आ जा नहीं रहा पेट्रोल पंप पे और आप जाके वहाँ से पेट्रोल डलवा लो, अपने लोकल एरिया से जो विश्वसनीय पेट्रोल पंप है आपके यहाँ से वहाँ से करो। फुल टैंक कराने का और जानकारी जो जहाँ पे सब लोग आते जाते रहते हैं पेट्रोल डलवाते रहते हैं वहाँ से भरवाने के दो फायदे हैं। पहले तो मिलावट होने की संभावना बिल्कुल नाकारा हो जाती है। दूसरी चीज़ जो है वो है कि आपको कम पेट्रोल मिलने की संभावना खत्म हो जाती है। जब आप फुल टैंक कराओगे तो फुली टैंक है भैया, फिर उसमें कम कहाँ से कर लेगा वो। तो यहाँ पे आप दोनों चीज़ों से बचोगे। तो माइलेज में अगर आपको टैंक पेट्रोल कम मिल रहा है तो आपके दिमाग में फिर वही कैलकुलेशन चलेगी उसी हिसाब से। मान लो आपने पेट्रोल डलवाया तो 100 रुपये का, लेकिन आपको मिल रहा है 80 रुपये का, कम करके उसमें कुछ गड़बड़ करके आपको पेट्रोल दे रहा है, तो आपके हिसाब से तो माइलेज कम हो गया ना। तो पहली चीज़ तो ये हमेशा ध्यान रखो। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है टायर प्रेशर। सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, आप एक मैनुअल टायर प्रेशर की मशीन ले सकते हो, जो चाइनीज़ ये थकी हुई जो मशीनें आती हैं ये, इनका कोई कुछ हिसाब किताब नहीं है, एक महीने में ख़राब हो जाए, दो महीने में ख़राब हो जाए। तो मैनुअल मशीन आती है, मिशलिन की आती है, बहुत बढ़िया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हो। टायर में लगाओ, बिल्कुल सही प्रेशर बताएगी। प्रेशर PSI में आपको बताता हूँ, अगले टायर में आपको रखनी है 25 PSI और पिछले टायर में रखनी है आपको 32 PSI। ये बिल्कुल सही है प्रेशर टायर का, इससे ज़्यादा ना रखना, इससे कम मत रखना। और आप उसको अपने आप एडजस्ट कर सकते हो, जब भी आपको ज़रूरत हो तो अपने आप बढ़ लो। होता क्या है, आप कहीं से भी हवा भरवाते हो तो बहुत, जितने भी मैंने ज़्यादातर लोग ऐसे देखे हैं जिनके जो मीटर होते हैं वो ख़राब ही मिलते हैं, तो गलत ही हवा का जो प्रेशर है वो डालते हैं, वो सही नहीं होता बाइक के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ दोस्तों आपको जो याद रखनी है वो हमेशा याद रखना है एक चीज़, गियर का रेशो। पहला गियर आपको किस स्पीड में रखना है, 20 की स्पीड तक चेंज कर देना है, फिर दूसरा गियर, फिर तीसरा गियर, चौथा, फिर पांचवा। इस तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि पहले गियर में 40 तक चला रहे हो, दूसरे गियर में 60 तक भगा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो माइलेज डेफिनेटली कम होगा ही होगा। अगली चीज़ दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी स्पीड।
अगर आप हाईवे पे चल रहे हो और मान लो आप 100 की स्पीड पे चला रहे हो तो आपको माइलेज कम मिलेगा बाइक से। जो बेस्ट स्पीड है, बढ़िया स्पीड है जिसमें माइलेज भी अच्छा रहे और आप सेफ भी रहो और बढ़िया चले भी बाइक, इंजन पे भी लोड ना पड़े ज़्यादा, वो है 80-85 किलोमीटर पर आवर। 80-85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर आप बाइक को चलाओगे तो बढ़िया माइलेज मिलेगा, आपकी ब्रेकिंग की जो पावर है वो भी बढ़िया से काम करेगी उस स्पीड पे, और आपका इंजन भी बढ़िया रहेगा बाइक के। तो ये चीज़ आप समझ लो। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ आपको याद रखनी है वो है इसकी सर्विसिंग। सर्विस टाइम टाइम पे करानी है आपको। मोबिल ऑयल जब भी चेंज होगा तो आपका जो माइलेज है वो बढ़िया बेटर होगा, मतलब जो उसमें जो भी कचरा वचरा आ जाता है इंजन में वो मोबिल ऑयल चेंज होने के साथ साथ बदला जाएगा, और जो भी छोटे मोटे जो इशू आ जाते हैं जैसे मान लीजिए क्लच का कोई इशू है या गियर का कोई इशू है तो ये भी आप सोल्व कराओगे जब सर्विस पे बार बार, तो आपका एक सही माइलेज आपको मिलता रहेगा बाइक से। तो दोस्तों ये तो कुछ छोटी छोटी टिप्स है, खाली बुलेट के लिए नहीं है, सभी बाइकों के ऊपर लागू होता है, और मैंने आपको जो तरीका बताया आप करके देखो, फिर मुझे कमेंट करना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि आपकी बाइक ने ज़्यादा माइलेज देना शुरू किया या कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो बता सकते हो। चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कोरोना सावधान रहो भाई, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।